विपक्ष को चौंकाते रहते हैं, क्योंकि जब सारे विपक्षी दल 7 नवंबर से शुरू हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, तब पीएम मोदी उत्तराखंड के हिमालय में आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में पूजा कर रहे हैं, वहां डमरू नगाड़ा और साथ ही शंख बजा रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी को पीएम की इस धार्मिक यात्रा का चुनावी फायदा भी मिल पाएगा? आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी लोकसभा चुनाव के ऐलान में भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड में सीमांत जिले पिथौरागढ़ से चुनावी आगाज कर डाला है। सर्दियों के आगाज के साथ ही पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा ने राज्य का चुनावी माहौल गर्मा दिया है। पीएम मोदी ने इस सोर घाटी से एक दो नहीं बल्कि 23 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण कर डाला, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेयजल, खेल, कृषि, उद्यान और आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, जो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में पूरे जोश से जुटी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा वही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानसखंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा। जाहिर है चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री की इन बड़ी घोषणाओं से बीजेपी के नेता जोश से भरे हुए हैं और इसीलिए अभी से वो दावा करने लगे हैं कि बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य की पांचों सीटें जीतने वाली है। और यहाँ की जनता के लिए उन्होंने मानस खंड और जितनी परंपरा की अपनी योजनाएं हैं उनका भी आगाज किया है। इस देवभूमि के सभी कार्यकर्ता, इस देवभूमि की सारी जनता उनका बहुत आभार व्यक्त करती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह का जनता में उत्साह था, सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक 7 किलोमीटर के अंदर लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े, उससे ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि मोदी जी के सामने कोई भी नहीं है। मोदी जी पे उत्तराखंड की जनता का अटूट विश्वास है। देखो, पांचों सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन हम पांचों सीटें इस बार 50+1 से जीतना चाहते हैं। पीएम की इन घोषणाओं से पिथौरागढ़ की जनता भी गदगद है। उन्हें उम्मीद है कि अगर पीएम मोदी द्वारा घोषित कार्य धरातल पर उतरते हैं तो तस्वीर बदलना तय है। पिथौरागढ़ की रैली में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार ने इस डर से बॉर्डर इलाकों में विकास नहीं किया, कहीं दूसरे देश इसका फायदा न उठा ले। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम पिछली सरकारों की तरह डर कर काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि हम न डरते हैं और न ही किसी को डराते हैं। पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए, क्या तर्क देते थे? आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं, न हम डराते हैं।